से मोस्टली लोग भीड़ का एक हिस्सा बनकर एक मोनोटोनस एक घिसी पिटी लाइफ जीकर और अपने आप को ऐसे ही खत्म करके चले जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कुछ अलग ऐसे जरूर बनेंगे कि दुनिया हमें सालों साल और हमेशा याद करे। तो आइए जानते हैं वो 7 बातें जो दुनिया से हमको बिल्कुल अलग बना देंगी। फ्रेंड्स, इसमें जो पहली बात आती है कि हमें कुछ अपने आप में कुछ अलग करना है, कुछ अलग करने की चाह। यानी कि अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं या कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, हमारी मर्जी का है नहीं मर्जी का है, लेकिन वो काम करना तो हमारी मजबूरी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा हमारा क्या पैशन है, हमारी क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग से टाइम निकाल कर कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। यानी कि अपने आप को हमेशा जिंदा रखना है, क्योंकि होता क्या है कि हम हमेशा 9 to 5 या 9 to 8 या 9 to 9 की जॉब करते रह जाते हैं और खुद को कहीं ना कहीं घुमा देते हैं। सो यहाँ पर अगर दूसरों से अलग बनाना है, सो यहाँ पर अपने पैशन को जिंदा रखना है या काम ही ऐसा चुनना है जो अपनी पसंद का हो और बिल्कुल ही अलग हो। और इसी में आ रही है जो दूसरी बात कि कई बार खुद में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी होता है। क्या फितरत है? क्योंकि यूजुअली जब हमसे पूछा जाता है कि आप में ऐसी क्या खास बात है, तो हम कहते हैं हमारे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं। ये केवल हम बोलते ही नहीं है, अपने अंदर महसूस भी करते हैं। हमें लगता है बाकी जो लोग करते हैं या बाकी जो लोगों में चीजें हैं या क्वालिटीज हैं वही तो हैं, क्या अलग है, क्या खास है, कुछ भी नजर नहीं आता है। और कहीं से भी अपने आप में प्राउड तो बिल्कुल फील नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने आप को डिग करने वाली बात है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरों से हमें बिल्कुल अलग बनाती है। कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी, हो सकता है लिखना अच्छा आता हो सकता है बोलना अच्छा आता हो सकता है दिखने में अच्छे लगते हो सकता है कोई अलग से ऐसी स्किल हमारे अंदर हो जो हम अपने आप में घुमा कर बैठे हुए हैं। जैसे हनुमान जी को खुद ही अपनी ताकत का एहसास नहीं था, यहाँ आपको अपना जामवंत खुद ही बनना पड़ेगा। यानी कि खुद की कोई क्वालिटी ढूंढ कर और अपने आप को उसमें फख्र करना सिखाना पड़ेगा कि भाई ये मैं अलग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और ये जो क्वालिटी है इसको मुझे अपना और उभारना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि खुद को दीवानगी की हद तक प्यार करना। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, जब अपने आप को पसंद करते हैं, सो फ्रेंड्स अपने आप में एक चाह जगती है कि खुद अच्छे से सजे सवरे, खुद अच्छे अपने आप में कुछ ऐसा अलग करें, अच्छे से करें। अपने आप में ही अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगते हैं, अपने आप ही अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं और अपने आप में ही अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं। ये जो चीज होती है हमारा अपना जो ऑरा होता है उसको बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं। यानी कि जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो हमें बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से लेने लगते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन कितना खुश दिखता है, कि जो चमक है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर अपना जो ऑरा है वो खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा और देखेगा आप इस चीज को चाहे ना चाहे लेकिन आपको लोग कितना पसंद करेंगे। और एक चीज और है, जो इंसान खुद को बहुत प्यार करता है या खुद की केयर करता है उसको दूसरों को भी प्यार करना अपने आप ही आ जाता है। इसी में जो नेक्स्ट आदत आ रही है कि कई बार हमें अच्छे बुरे गलत सही सबका ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी जानते बूझते हम अपने आप को खराब करने पे तुले होते हैं। यानी कि हमें लगता है कि भीड़ का हिस्सा होना तो बहुत जरूरी है, बाकी लोग जो जैसा कर रहे हैं वैसा करना तो बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा बने नहीं कि आप गुम हो जाएंगे। सो यहाँ पर एक चीज और ध्यान आ रही है, गलत बात ना तो करनी और ना तो गलत बात टॉलरेट करनी। कई बार तो ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हम अपने रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं और वो कई बार समय की नजाकत भी होती है। बट यहाँ पर एक चीज और आ रही है, जो गलत आदतें हैं कम से कम हम अपने आप को उनसे दूर रख सकते हैं। और ये जो गलत आदतें हैं ये पहले के टाइम पे भी गलत थी, आज के टाइम पे भी गलत है और कल भी गलत रहेंगी। उन चीजों का आपको भी बोध होगा और उनको ध्यान रखिएगा कि गलती से भी गलत चीजों का सेवन नहीं करना है। ये जो नेक्स्ट बात आ रही है और इसको मैं एक एग्जांपल से और बताना चाहूंगी कि हाल फिलहाल आपने देखा होगा महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो होती हैं कि हमें ब्लेसिंग्स की तरह अपने आप ही मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें एक्वायर करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों सो हमें याद करने वाले एक दो नहीं बहुत सारे लोगों और हम अपने आप में ऐसी मिसाल बनकर जाएं जिसे सालों साल लोग हमें याद कर सके। यानी कि कोई भी हमें याद करे सो अपने आप में ही जोश उत्साह से भर जाए। बचपन में जब चोट लगती थी और जब मैं अपनी मदर के पास जाती थी कि देखो यहाँ पर चोट
लग गई है, यहाँ पर चोट लग गई। सो उनका हमेशा एक तकिया कलाम होता था, महाराणा प्रताप के 80 घाव थे, और वो इतना स्टेटमेंट कहकर छोड़ देती थी। कई बार जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि उनके 80 घाव होते, वो परेशान नहीं हुए, तुम इतनी खरोच से परेशान हो जाती हो। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपको बात बताऊं, कोई भी चोट लगती है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, अपनी मदर का वही डायलॉग याद आ जाता है, हाँ भाई हम उस मिट्टी के बच्चे हैं जहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा ने जन्म लिया था, और वाकई अपने आप में जोश उत्साह आ जाता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर बात यह है कि भाई कल हमने जन्म लिया और कब हम निकल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जरूर करके जाए कि आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं भी हमारा जिक रहा है। सो अपने आप में उनको हमारी लाइफ से कुछ लेसन या कुछ सीख जरूर मिले। मेरी ये छोटी सी तमन्ना जरूर है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना, सो मुझे याद करने वाले बहुत सारे लोग हो। सो अपने आप में एक और स्ट्रांग आदत डालनी है, वो ये है कि अपने थंब रूल्स, यानी कि ये चीज मैं करूंगा या ये चीज मैं नहीं करूंगा या करूंगी। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम डगमगा जाते हैं या कई बार हमें डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है, लेकिन हमारे अगर अपने थंब रूल्स हैं, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, सो वहां पर हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे किसी से हमारा झगड़ा हुआ, अगले ने हमें अपशब्द बोले, हमने भी उसको अपशब्द बोले, होता क्या है कि वो झगड़ा जो 2 मिनट का था वो हमारे पास 2 दिन या 20 दिन तक टिका रहता है, यानी कि हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन यहां पे अगर हम थंब रूल पे काम कर रहे हैं कि भाई हमने उस समय तो उसको कुछ भी बोलना था वो बोल दिया, लेकिन आगे उसका कुछ भी हम बुरा नहीं चाहेंगे, हम उसका कुछ भी अहित नहीं चाहेंगे, ना तो अहित करेंगे और ना ही अहित चाहेंगे, और यहां पे उसके भविष्य के लिए भी यही चाहेंगे कि भाई उसका भी भविष्य अच्छा हो और मेरा भी भविष्य अच्छा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आदत अपने आप में और डालनी है कि भाई किसी का भी भला हम कर सकते हैं, उसको बिना एहसास दिलाए या बिना गाना गाए भला जहां भी हम कर सकते हैं, जिसका भला कर सकते हैं उसका कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और दूसरी चीज जो बात आ रही है कि भाई लोगों को माफ करना, वो भी करते जाइए, दूसरों के खातिर तो करना ही करना है, द सेम वे अपने लिए भी करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी आदतें मैंने आपको बताई, इन टोटालिटी बात ये है कि जब हम अपने आप में खुश हैं, जब अपने आप को रिलैक्स करते जा रहे हैं और जब अपने आप की मेंटरिंग भी खुद करते चले जा रहे हैं, सो बट ऑब्वियस है हम दुनिया से अलग हो जाएंगे और दुनिया से अलग दिखेंगे भी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ अलग से हमें नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ आदतें और कुछ बातें हमें अपने ध्यान में हमेशा रखनी है। वीडियो तो आपने ध्यान से सुन भी लिया और देख भी लिया, बट कौन सी आदत अभी इंप्लीमेंट करने वाली लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।